आज हम आपको बताने वाले हैं वॉच टाइम फनल क्या है, वीडियो मार्केटिंग एंड यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो मार्केटिंग 2021। अब जो स्ट्रेटेजी 2020 में थी वो लॉकडाउन के बाद चेंज हो गई, वो किस तरह से चेंज हो गई वो हम आपको इसमें बताएंगे। In this video, we are explaining about a watch time funnel, video marketing and YouTube optimization. Please do watch the complete video for in-depth information. और आपको तभी ये समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। Nowadays, more consumers are discovering brand through video. अब क्योंकि घर के बाहर लॉकडाउन में लोग निकल नहीं पाते तो किससे अब किसी चीज के बारे में जानते हैं, वो वीडियो के बारे से जानते हैं। 84% of buyers have decided to purchase a product after they watch the brand video. On top of that, 80% of consumers went on to buy software on application after they watch a video about it. These numbers shows that video is becoming an integral part of the customer journey. अब आदमी कैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानता है, मेनली वीडियो से। The pandemic has increased the video consumption with 96% of consumers saying that they have increased the time they spent watching video. अब लोगों के पास कोई माध्यम ही नहीं बचा पैंडेमिक में, तो वो लोग किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए या कि कोई भी न्यूज देखने के लिए वीडियो का ही यूज करते थे क्योंकि उसमें लेटेस्ट न्यूज आती थी। Does this mean that traditional marketing method are no longer relevant? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पुरानी स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की खत्म हो गई। नॉट एट ऑल, हाउएवर, सप्लीमेंटिंग योर करंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद अ वीडियो मींस दैट यू आर कवरिंग मोर बेसिस। 87% ऑफ कंज्यूमर सर्च फॉर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बिफोर द मेक एनी परचेजिंग डिसीजन एंड वीडियो कैन हैव हेल्प पुश देम टू बाय फ्रॉम योर ब्रांड। अब आप किसी ब्रांड के बारे में आदमी किससे जानता है, वीडियो से जानता है, और पेंडेमिक में तो ये बढ़ ही गया। मोर ओवर, दिस लीड कंज्यूमर टू इंटरैक्ट विद ब्रांड एंड दे माइट हैव फर्दर क्वेश्चन बिफोर कंप्लीटिंग द परचेजिंग प्रोसेस। और वो डायरेक्ट ब्रांड से इंटरैक्ट करके उसके बारे में जानते हैं और चीज़ों को परचेज करते हैं। वीडियो एंड द परचेजिंग डिसीजन, कितने परसेंट वीडियो का परचेजिंग डिसीजन वीडियो पर डिपेंड करता है। 94% कंज्यूमर हु वॉच एक्सप्लेनर वीडियो रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, 84% कंज्यूमर हु ब्रॉट प्रोडक्ट आफ्टर वॉचिंग वीडियो अबाउट देम, एंड 80% कंज्यूमर हु परचेज एन एप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो ऑफ देम। अब ये हमें, ये सारा डेटा हमें हब स्पॉट से मिला, जहाँ पर हमें ये बताया गया कि कैसे लोग ने पेंडेमिक में खरीदा। वीडियो फनल टेक अवे, वीडियो कंजम्पशन वेंट अप स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू पेंडेमिक। कंज्यूमर आर सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर ब्रॉट एन ऐप सॉफ्टवेयर वॉचिंग ऑन वीडियो अबाउट इट। ये तीन पॉइंट हमने आपको बताए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू गेट मोर डिटेल इंफॉर्मेशन which I am going to show you by the means of presentation in which these three points I have covered, ki 94% consumer who are watching watch explainer video regarding product. Jo explainer hota hai wo video ke through aapke product ko batata hai. Consumer who bought product after watching video, 84% log वीडियो देख करके प्रोडक्ट लाते हैं, और कंज्यूमर जो परचेज करते हैं ऐप को सॉफ्टवेयर को वो 80% है। अब आया कि फनल क्या है, वॉच टाइम फनल्स क्या है। अब फनल का फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रेशन, जो आपसे बार बार लोग कहते हैं सीनियर कि आपका इम्प्रेशन नहीं अच्छा होगा तो आपका वीडियो कौन देखेगा, आपका CTR नहीं बढ़ेगा, आपका क्लिक थ्रू रेट नहीं बढ़ेगा। वो क्या है, इम्प्रेशन, तो मतलब आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए तब आपका कोई वीडियो क्लिक करेगा, क्योंकि एक जैसे वीडियो ढेर सारे होते हैं।
एवरेज व्यू, जब आपका क्लिक थ्रू रेट ज्यादा होगा तो आपका व्यू बढ़ेगा, और व्यू बढ़ेगा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। तो इम्प्रेशन किस पे डिपेंड करता है, थंबनेल पे, और एवरेज व्यू किस पे डिपेंड करता है कि कितनी देर आपका आदमी देखता है, मतलब रिटेंशन परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, और अगर व्यू एवरेज व्यू ज़्यादा होगा तो वॉच टाइम ज़्यादा होगा, और वॉच टाइम कब ज़्यादा होगा, जब कंटेंट अच्छा होगा, और जब कंटेंट अच्छा होगा तो वीडियो का रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा। रेवेन्यू जनरेशन मीन्स है कि जब ज़्यादा टाइम कोई आदमी देखता है तो आपको इनकम भी ज़्यादा होती है, और बहुत अधिक वॉच टाइम होगा तो आपका वीडियो वायरल भी होगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि इम्प्रेशन अच्छा हो, एवरेज व्यू अच्छा हो, और तब आपका वॉच टाइम अच्छा होगा। मतलब वॉच टाइम पाने के लिए हमको अपना इम्प्रेशन पहले अच्छा करना पड़ेगा, आदमी अंदर आए तो वीडियो में, फिर उसको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा कि वो अपने वीडियो पर रुके थोड़ी देर, और रुकेगा जब तो वॉच टाइम बढ़ेगा। और कोशिश करिए कि कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो पूरा वीडियो देखे, और बाद में उसमें आई बटन भी दे दीजिए जिसमें आप अपने और वीडियोस को भी उसको दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा जब आपका पूरा वीडियो देखेगा कोई तो आपका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाएगा और वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हमने एक छोटा सा एनालिटिक दिखा रहा है यहाँ पे, हमने कल एक वीडियो शॉर्ट डाला था जिसमें इम्प्रेशन 65% था और उसका इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 12.3% था और 30 व्यूज आए थे। तो इसमें वीडियो एनालिटिक में ये दिखा रहा, अब इसका देखिए ये फनल बना है जो यूट्यूब में ही एनालिटिक में आप देख सकते हैं किसी भी अपने वीडियो का, जिसमें ट्रैफिक सोर्स बता रहा है कि ब्राउजर फीचर 36.7% था, चैनल पेज 20% था, एक्सटर्नल 13.3% था, नोटिफिकेशन 3% था, यूट्यूब सर्च 6.7% था और अदर 10% था। और ये दिखा रहा है कि 65 इम्प्रेशन था, 12.3 क्लिक थ्रू रेट था, CTR था, व्यू फॉर इम्प्रेशन 8 था, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका दिखा रहा है। तो इस तरह से ये पूरा आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल कहाँ से था, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, और अगर आप क्लिक करिएगा तो और भी दिखा देगा। ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियो भी दिखा रहा है कि आपको किसने किसने सजेस्ट किया। प्रपोर्शन ऑफ योर टोटल ट्रैफिक 6.7%। तो आपका ये पूरा एनालिटिकल दिखा रहा है इसको। अब हम चलते हैं अपने चैनल पे जहाँ पर हम एनालिटिकल में जाएंगे और यहाँ पे अपने रीच को देखेंगे। ओवरव्यू तो जो ठीक है, रीच जब आप देखिएगा तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। देखिए कितने दिन का दिखा रहा है, 28 दिन का दिखा रहा है कि 33.2 इम्प्रेशन है, इसमें 2.4% क्लिक थ्रू रेट है जो बहुत कम है, और व्यूज फ्रॉम इम्प्रेशन 801 है, और वॉच टाइम फ्रॉम इम्प्रेशन जो है वो 34.38 है। तो बहुत ही कम है, जिसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी तरह से आप 28 डेज की जगह पे और भी देख सकते हैं, 7 डेज का भी देख सकते हैं, 7 डेज में भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने वॉच टाइम फनल को देखकर एनालाइज कीजिए और अपने वीडियो को इम्प्रूव करिए जिससे आपका वॉच टाइम बढ़े। वॉच टाइम तभी बढ़ेगा जब क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगी और व्यू बढ़ेगा, तब आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। ये देखिए पूरा यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये एनालिसिस में जाकर आप देख सकते हैं। अब यहाँ सोर्स सजेस्टेड वीडियो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सा वीडियो सजेस्ट किया, डज यूट्यूब गेट पेड व्हेन स्किप द एड हमने बनाया था, ये सारे वीडियो सजेस्टेड में हमारे आ रहे हैं। पीटरसन नंबर, हाउ टू गो लाइव, और यहाँ पर उन लोगों के हैशटैग हैं जो लोगों के हैशटैग हम लोग यूज करते हैं वो दिख पा रहा है। तो
इस तरह से आप पूरा एनालाइज करके अपने वीडियो के इम्प्रेशन को बढ़ाइए, जो मेरा बहुत कम हो गया है आजकल, तो इसको बढ़ा करके हम लोग अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट यहाँ से देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने लोग देख रहे हैं, ये देखिए डाउन जाता जा रहा है ना। यहाँ पे ऑडियंस देखना है तो ऑडियंस भी दिखाएगा ये कि रिटर्निंग व्यू 27 है, यूनिक 178 है, 20 सब्सक्राइब हुए हैं 7 दिन में, ये सारा दिखा रहा है। ये इंडिया में कितना देखा गया है, सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन कितना है, जिन्होंने ऑल दबाया वो 15.6% है, और ये ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल ये दिखा रहा है, टर्न ऑन है। यहाँ पे दिखा रहा वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर कितना है, बहुत कम है, लोग देखते ही नहीं है, सीसी लैंग्वेज जो है वो नहीं लग पा रहा है मेरा उसमें, और मेल फीमेल में से कौन देख रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन एनालिटिक में दिखाता है। आप वहाँ जाकर अपने वीडियो को एनालाइज कीजिए और कोशिश करिए कि आपका वीडियो इम्प्रूव हो जाए, अदरवाइज आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे एंड नाउ यू कैन कम टू नो व्हाट इज अ वॉच टाइम फनल एंड हाउ यू कैन परचेज द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। Then you go in analytical and where you press the reach, then you will get the funnel. This is the watch time funnel, which is an advanced feature. This is impression and how they led to watch time. अब ये पूरा दिखा रहा है यहाँ पे. So thank you. This is all today. If you like it, please share and subscribe. Thank you.